leads to question number 31 of exercise 3b, that is linear equation to variable. Question number 31 is solve for x and y. Hume x or y ki value nikalni hai aur hamari equation hai 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equals to 4 and 15 upon x plus y minus 9 upon x minus y equals to minus 2. तो कैसे सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यूज निकालने के लिए, चलिए देखते हैं. हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं. तो ये आई थी 10 अपॉन x प्लस y प्लस 2 अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू 4, और नेक्स्ट थी हमारी 15 अपॉन x प्लस y माइनस 9 अपॉन x माइनस y equals to minus 2. अब आप देखेंगे तो यहाँ पे x plus y है, यहाँ पे भी x plus y है, और यहाँ पे x minus y है, तो यहाँ पे भी है. तो हम क्या कर लेते थे, let कर लेते थे, let 1 upon x plus y is equals to a and 1 upon x minus y equals to b. तो ये कितना आ गया, 10a. ये already मैं समझा चुकी हूँ कि कैसे आया, 2b equals to 4. आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं. तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, और इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन आ गई हमारी, यहाँ पे लिख देती हूँ 15a minus 9b equals to minus 2. ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, राइट. अब आप देखें, या तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 9 की ऊपर वाली में और 2 की नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप देखेंगे इन दोनों में 5 इक्वल है. तो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से और ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों 30 हो जाएंगे. तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो हमने इसको लेकिन यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए आपको एक बार इधर करके दिखा देती हूँ. एलसीएम 10 और 15 कैसे किया, 5 कॉमन था, तो 5 टूज आर 10 एंड 5 थ्रीज आर 15. अब इस 3 की मल्टीप्लिकेशन इस 10 में और इस 15 की 2 में, तो 10 के साथ 3 की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी और 15 में 2 की, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 2. तो क्या आया ये हमारा, 30a प्लस 6b इक्वल्स टू 12. और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 30a माइनस 18b इक्वल्स टू माइनस 4. तो साइन चेंज हो गए हमारे, क्योंकि दोनों साइन सेम थे, तो हमारा क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 24b. दोनों प्लस के हैं इसलिए साइन प्लस का ही लगेगा, और ये भी दोनों प्लस के हैं तो 16. तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन 24. अगर देखें 4 4 जो 16, 4 6 जो 24, 2 2 जो 4 एंड 2 3 जो 6. तो ये आ गई b की वैल्यू 2 अपॉन 3, राइट. अब हम a कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग b इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में पुट किया तो ये आया 10a प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4. तो ये आ गया 10a प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4, और 10a इक्वल्स टू 4 माइनस 4 अपॉन 3. तो ये कितना आ गया, 3 कॉमन आया, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 माइनस 4, तो 10a किसके इक्वल आ गया, 12 माइनस 4 अपॉन 3 के, राइट. तो हमारा 10a किसके इक्वल आ गया, 8 अपॉन 3, 8 अपॉन 3, राइट राइट. और a किसके इक्वल आ गया, 8 अपॉन 3 इंटू 10 नीचे आ जाएगा, तो 2 4 ज 8, 2 5 ज 10. तो ये कितना आ गया, 4 अपॉन 15, राइट. अब हमने किसको क्या माना था, अब आप देखें 1 अपॉन x प्लस y को a माना था और x माइनस y को 1 अपॉन b माना था. तो हमने यहाँ लिख लिया 1 अपॉन x प्लस y को हमने a माना था,
तो a की वैल्यू आई हमारी 4/15। अब 4 की मल्टीप्लाई x प्लस वाई में और 15 की 1 में, तो ये आया 4 × x + y इक्वल्स टू 15 × 1 = 15। तो क्या लिख सकते हैं, 4x + 4y इक्वल्स टू 15। तो ये आ गई हमारी 5th इक्वेशन। अब इसी तरीके से 1/x - y को हमने माना था b, और 1/x - y b की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए 2/3 आई थी, तो हम 2/3 लिख देते हैं, 2/3। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ गया 2 × x - y इक्वल्स टू 3। तो ये आया 2x - 2y इक्वल्स टू 3। ये आ गई हमारी 6th इक्वेशन। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 4x + 4y इक्वल्स टू 15 एंड 2x - 2y इक्वल्स टू 3, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम आ जाएंगे, और साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे ये भी सेम है, साइन चेंज करने की जरूरत, ये भी 4 आ जाएगा और सारा कट जाएगा। नहीं, यहाँ देखिए साइन चेंज है दोनों के, यहाँ सेम है, साइन चेंज करते ही डिफरेंट आ जाएगा। ये हमारी आई थी 5th और इक्वेशन, और ये आई थी हमारी 6th इक्वेशन, और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6/2, तो ये आया 5th को एज इट इज़ लिख देंगे, 4y = 15, और 6th की आ गई 4x - 4y = 6। साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 8x = ये कितना आ गया 21, राइट। तो x कितना आ गया 21/8 आ गया। अब y की वैल्यू लिखाते हैं, पुटिंग x = 21/8 इन इक्वेशन 5th, तो ये आ गया हमारा 4 × 21/8 + 4y = 15, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो यह है 21/2 + 4y = 15। तो 4y कितना आ गया 15 में, माइनस हो गया उधर जाके 21/2, तो 4y कितना आ गया, 2 LCM लिया, तो यह आया 2 × 15 - 21, तो 4y की वैल्यू आ गई 30 − 21/2, राइट। तो ये आया 4y = 9/2, और y यहाँ अकेला रह गया और 4 नीचे आ गया, 2 × 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/8। तो हमें पता चल गया कि x आया हमारा 21/8 और y आया 9/8 इज़ द आंसर।